हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद नानी। यार ये नानी फिर से आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि एक और वीडियो लाएंगे नानी के साथ, क्योंकि नानी के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। और इन एक्सपीरियंस के अंदर भरे हुए बहुत सारे ऐसे किस्से जिनको सुन के आपको होगा एक जबरदस्त, मतलब एक्साइटमेंट लेवल आपका इतना हाई हो जाएगा ना। और मतलब आज जो मैंने बोला था आपको कि मैं आपको गोस्ट स्टोरीज बताऊंगा नानी की, जो मैंने नानी ने मुझे सुनाई थी, तो मैं आपको वो सुनाऊ, मतलब हाँ तो नानी सुनो। के द्वारा सुनवाऊंगा। तो यार मजे आने वाले। और मैंने समय भी चूज किया रात का, क्योंकि रात के समय ना ऐसी चीजें सुनने में मजा कुछ और आता है। मतलब आपको भले ही डर लगे ना लगे यार, लेकिन आप रात को सुनोगे तो फिर सोना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यार सोता भी तो अकेला हूँ। तो फिर नानी एक बार इसको, इन सबको हाई कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर को, हमारी फैमिली है जो हेवन लोड फैमिली, तो इनको एक बार हाई कर दीजिए अपनी तरफ से। हाय हाय बोलो इन सबको। हाय, तो नानी ने आप सबको हाई किया है। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, मतलब जल्दी करिए, बोलिए सब्सक्राइब करिए, मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वो बंदे को बोलिए सब्सक्राइब कर दो, उसको सपोर्ट करो, बोलो। सपोर्ट कर दीजिए इसको। तो सपोर्ट करिए, क्योंकि और भी अच्छी अमेजिंग वीडियोज आने वाली है। ये फिलहाल अभी मैं जो दो सीरीज चला रहा हूँ, मतलब ऐसी एक गेमिंग वाली और एक नानी की टॉक के साथ, तो इसमें मजे आ रहे बहुत सारे। तो अभी विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, लेट्स गेट इनटू इट एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट और कीप वॉचिंग टिल दी एंड, बिकॉज आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त होने वाला है। तो स्टार्ट कर दे नानी, आप शुरू हो जाइए बस। आप तो, आप नानी बताने वाली अपनी जो मतलब एक गांव की कहानी थी, किस्से में, जो नानी थी जब जवान, जब नानी हुआ करती थी, और भी ज्यादा खूबसूरत। अभी तो है खूबसूरत, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। क्या तो उस समय की कहानी है जब नानी और ज्यादा डेयर डेविल हुआ करती थी। तो अब बताइए नानी, कहानी क्या है। अरे रात रात में सोया मैं, जब रात में सुई हो चाह तब तो भूत आ गए। गढ़वाली में बोलो, गढ़वाली में दी भूत आ गई। जब दी भूत आ गई तो एक तागे नंगू धड़ंग, एक तागे इतने पतले और इतने दांत वाले। इसने बोला, उन्हें बोल मी खड़े कि धोल भैया, एक ने बोल धोल भैया, एक ने बोल मिली जोड़ो तो भैया तो धोल चल मेरे बाल तर। तब मेरे बाल तुम मरेगा कि मैं मरूंगा, तुम मरल कि मैं मरूं, ये गन तो मोने तुम मेरे बाल पकड़ में थमल ताशे थमल निकाली थमल पकड़ी उसे आजी चल थमल पकड़ी मैंने मेरे बाल आ जाओ। जब मेरे थमल पकड़ तो भाग गया, तो भगाया उन्हें दोनों है। आप कहाँ सोए थे, अंदर घर में। अच्छा, तो अम्मी मैं आप जितना अभी तक नानी ने बताया, मैं उसका आपको हिंदी में बताता हूँ। तो नानी कह रही कि एक बार क्या हुआ कि गांव का इलाका था, मतलब गांव में पहले नानी लोग रहते थे। तो रात को नानी एक बार सो रहे, रात का सीन, रात को सो रही थी नानी। फिर नानी को एकदम से महसूस हुआ कि आसपास कोई है। तो नानी ने जैसे आंख खोली तो वहां पे दो बंदे थे, एक था बिना कपड़ों वाला और एक था शस्त्रधारी, उसके पास बड़े बड़े दांत। पटला तो नानी ने उनको बोला कि यार तुम क्यों आए यहाँ पे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम क्यों आए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला, एक तो एक ने बोला तो धोल भैया मैं ले जाऊंगा। अच्छा, तो एक ने बोला कि आप, मतलब अपने साथी को बोला, उन दोनों में से एक ने, कि तू नानी को गिरा नीचे और मैं इसको ले जाऊंगा, नानी को ले जाऊंगा अपने साथ। तो यहाँ उसके बाद अब नानी दोबारा और नानी ने मैंने पकड़ा था मारी दाती दाते ने पकड़ आ जाओ, एक तो कि तुम मोरेगा कि नहीं मोरूंगा। तो नानी ने हिम्मत नहीं आ रही उस रात को, अब तो बगा रही मेरे। नानी ने बोला उनको कि, नानी ने वो पकड़ लिया, एक थमली होती है, मतलब क्या बोलते हैं थमली को, लकड़ी काटने का जो हथियार होता है वो पकड़ा, और उनको बोला कि या तो तुम मर या तो मैं तुम्हें भगा दूंगी यहाँ से। तो नौ दो वो दो उस समय भाग गए, उस समय तो वो भाग गए दोनों की दोनों। ये रात का सीन था और नानी उस समय अकेली थी घर में। तो उस समय की बात है, ये बहुत पुरानी बात। उसके बाद क्या हुआ नानी, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं अपने पति के साथ वहाँ गए, भूटान 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 गो में। नानी एक बात है, नानी फॉरेन भी घूम के आई है, जो हम आज तक नहीं गए, लेकिन नानी भूटान भूटान गो में। तो भूटान गो तो वो से वहां से भी खिड़की का सचिन डांग धड़ोंग आया है। कौन जो मिला अभी बताया तुमको भूत, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा है, जब इन हाथ पकड़ में आ, जब मैं हाथ पकड़े तो मेरे बाल मैं हाथ पकड़ मेरे बाल छोड़ में आ गए,
मिल्की शताब के शताब्दारी में तीन कमरों का आदमी हूँ, तीन कमरों का आदमी हूँ। बल्कि वाकई मिलवाली रस्ता में मिलवा हुआ आई है, मैं हाथ पकड़ मिलवाल हाथ पकड़ गई उन बात सही बात थी, उन बात गलत नहीं थी। आंसा वो आंसा औरत पर औरत है पकड़ना है औरत आंसा है तो ये कह रही थे और भीड़ नहीं। अब मैं बताता हूँ नानी क्या कहा। तो नानी कह रही कि एक बार नानी कही थी फॉरेन ट्रिप में किसके साथ, नाना के साथ। तो एक तरीके से मतलब पहली पहली शादी हुई थी तो नाना ले गए थे अपने साथ भूटान, मतलब पहली बार फॉरेन भूटान। भूटान तो भूटान में क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब नानी को मिले थे कमरे मिले थे, वहाँ पे तीन कमरे थे तीन सेट में, नानी का एक कमरा था उसमें सबसे कॉर्नर वाला। तो नानी रात को सो रखी थी उस समय, तो खिड़की खुली हुई थी क्योंकि भूटान में उस समय थोड़ी गर्मी थी, तो उस समय खिड़की खुली तो खिड़की से रात को एक हाथ आया, मतलब एक समझ सकते हैं कि फिगर टाइप आया और नानी का हाथ ऐसे पकड़ लिया उसने। तो जैसे उसने नानी का हाथ पकड़ा, नानी ने बोला कि यार तू तीन कमरों को छोड़ के तू मेरे पीछे क्यों आया। और वो जो फिगर था जिसने हाथ पकड़ा, मतलब उसकी जो सिमिलैरिटी थी वो जो पिछले वाले कहानी थी इसकी पहले वाली उससे उसके फिगर जैसी ही थी। तो फिर नानी चिल्लाई बहुत तेज और नानी फिर वहाँ पे लोग आगे इकट्ठा हुए। तो ये नहीं है कि इंडिया में इतने भी भूत होते हैं, भूत हर जगह होते हैं, जहाँ भी मतलब किससे हो जाए तो हर जगह हिम्मत हर होना चाहिए, डर नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ो। सही बात, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ, डर मत किसी से, डर नहीं किसी से। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपने सुनी भूटान की कहानी और नानी के गांव की कहानी। और उसके बाद अब एक और गांव में एक और उसी तरीके की घटना घटी गई ना, मतलब हुआ था कुछ इंसिडेंट। तो नानी अब उसके बाद की कंटिन्यू करेंगी कहानी। नानी बताइए। और एक गाय बच्ची ऊपर देखना चाहिए नाम वाला मेरे बार बूढ़े हम बैर में जाती थी लोग बल मैंने लाओ बल कहाँ कहाँ की बात है ये गोठ गठ अच्छा ग्वाट की बात हाँ यार बल मैंने लाग बल में मम्मी बैरम को तो पर्वत खड़ो जाए मेरे बात तो क्या खड़े यक तो हम तक लगा क्या खड़े कि हम मान से तो नहीं से तक क्या खड़े तुझे डर जानो छे तो नहीं जानो छे ना सतिल गाल खा जाए तो मेरे वे खड़े बल में अभी लिया मैं कि खड़े मुछल जाए तो जुत तो लिया ना जाने ना जान सकते यार भी भाग लिया ना जो मैं भीतर बैठे तो वो भाग गया तब चिल्ला चिल्ला के गो चले गए कदम धारे धारा धारा जितना बताया नानी ने मैं आपको हिंदी बताता हूँ। नानी कह रही है कि एक मतलब गांव में क्या होता है ना कि जब कुछ खेती वेती करते हैं रात को तो वहाँ पे सुअर वुअर आ जाते हैं खेतों में, और खेत होते हैं जो गांव से बहुत दूर होते हैं, तो उन जानवर मतलब खेतों को बचाने के लिए रात को वहीं सोए जाते हैं, उसको ग्वाट बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब अपने जो मवेशी क्या बोलते हैं बकरी वगैरह हो गई गाय हो गई तो उनको भी वहीं ले जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नानी और नाना एक साथ थे उस ग्वाट में, तो बहुत पहले की बात है। तो फिर उस समय क्या हुआ, जैसे मतलब कुछ आवाजें आने लगी पहाड़ों के ऊपर से, तो नानी ने नाना ने बोला कि मैं नहीं जा रहा, मैं तो मैं यही रहूंगा, तू देख क्या नाना नाना फालतू नहीं जाता नाना डरते थे मतलब नानी के कहने से। तो अभी तो नाना का स्वर्गवास हो चुका है, तो फिलहाल नाना सब देख रहे हैं, नाना का आशीर्वाद हमारे ऊपर है सबके ऊपर। तो अभी फिलहाल अब क्या हुआ कि नानी गई बाहर, नानी ने देखा कि मतलब पहाड़ जैसा फिगर, मतलब एक बहुत ही बड़ा लंबा छोटा इंसान छाया थी उसकी, रात का समय था तो वहाँ लाइट तो होती नहीं है और वहाँ खड़ा था उस साइड में। तो नानी ने बोला, नानी ने फिर बोला कि क्यों आया था यहाँ, तू हमारे से क्या मतलब, देखो हम तो यहाँ अपनी खेती कर रहे हैं अपने जमीन में, तो तू तेरा मतलब क्या है। तो नानी ने बोला अभी मैं कुछ लेके आती हूँ, अभी तेरे को भगाती हूँ यहाँ से। तो नानी जैसे अंदर गई वो चिल्लाते चिल्लाते फिर वहाँ से भाग गया, मतलब आवाज़ आ रही थी उस समय चिल्लाने की। सोच सकते हैं कि रात को पहाड़ी इलाका जंगली इलाका वहाँ पे, मतलब आप एक पल के लिए सोचेंगे ना कि कोई वो चोर वगैरह होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब गुंडे वगैरह होंगे, तो नहीं भाई गुंडे और की हिम्मत नहीं है भाई हमारे पहाड़ों में आने की, मतलब रहता है ना अगर आएंगे भी ना तो बाघ तेंदुए सब उनका कल्याण कर देंगे, जंगली जानवर इतने हैं ना पहाड़, रहस्य से भरे भाई पहाड़ सच बताऊं तो। सुनोगे तो इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके बाद क्या हुआ फिर जब वो भाग गया चिल्ला चिल्ला के भाग, उस गांव एक गांव है ना नीचे उस गांव में पड़ा थे, तुमने कुछ देखा मेरे बाल हाथ देखा तुमने तो दूने बल हमने तो दरवाजा बंद कर दिया डारा का ऊन दरवाजा बंद करी ऊन दरवाजा हम हिमत बाहर ना। तो नानी कह रही है कि फिर उसी जो मतलब वो पहाड़ है उसके नीचे वाला एक गांव है वहां पे गांव मतलब लोग रहते हैं। तो नानी फिर अगले दिन उनके पास गई
अच्छा वो आए नानी के पास, तो नानी ने बोला कि तुमने कुछ रात को देखा कि सुना कि मतलब ऐसा, तो उन्होंने बोला हाँ हमने सुना, हम सुनते रहते हैं ये सब चीजें, तो मैंने भगाया। तो नानी ने बोला कि मैंने भगाया उसको, तुम लोग तो आते भी नहीं हो बाहर, तुम तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हो, क्यों नहीं आते बाहर। तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो अब नानी और कोई स्टोरी इसके बाद क्या हुआ, मतलब इसके बाद भी कुछ हुआ कि खत्म? और इसके बाद और मतलब इसके बाद और कुछ नहीं और क्या नहीं पापा? एक और बता दीजिए, एक छोटी छोटी सी बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए, एक बोनस स्टोरी कोई गाय बछड़ों के बस। हाँ, कोई भी जंगली जानवर वाली। अरे गाय बछड़े थे बाघ आए तो उसको खचर बह गए, जब उसको खचर बह गए तो मैंने उसको मारा, तो उसने अपने गाय बच्चे चढ़ाए तो उसको भगाए। तो एक मत मारने के, ये एक जो आप अखबार में देखते हैं ना कि पहाड़ी मतलब महिलाओं ने किया बाघ के साथ आता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुठभेड़, और जीत भी जाती हैं। तो ये एक लिविंग मतलब नानी जो है एक लिविंग एग्जांपल है उस चीज़ का कि हमारे पहाड़ी की जो लेडीज होती हैं वो होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। तो ये क्या होता था हमारे गांव, मतलब कि रात को आते थे बाघ वगैरह, ऐसे आते थे बाघ बोले तो तेंदुए और बाघ में दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तेंदुए पहाड़ी मतलब बाघ वाघ जो भी एक पेक बोलते हैं उनको। तो क्या हुआ, एक बार नानी जा रही थी तो क्या हुआ कि वो मतलब बाघ ने अटैक कर दिया उनके मवेशी पे, नानी के मवेशी पे। नानी ने हिम्मत नहीं आ रही, नानी ने अपने जो भी हथियार था हाथ में उससे उस पर अटैक कर दिया बाघ पे, तो भाग गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां है नानी के पास। तो फिलहाल अभी तो नानी मैं भी जहां देखी जाऊं लूं पर मैं दादी ने छोड़ दिया। तो नानी बोली कहीं भी जाती नानी हथियार नहीं छोड़ती, होगी हथियार नहीं छोड़ती, पहाड़ी इलाका ऐसा ना कि कहीं से भी खतरा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हथियार हर समय पास रखना होता है। तो फिलहाल तो नानी थक गई है, मैंने फालतू वाले रात को भी बोला कि चलेंगे शूटिंग करेंगे। तो नानी का एक सेकंड एक्सपीरियंस हो चुका है, कैसा लगा आपको मेरे साथ शूटिंग करिए? शूटिंग बोले यार, शूटिंग ही बोल सकते हैं इसको। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है नाना जी बोनस को, कैसे लग रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और खराब लग रहा है तो मैंने बोला कि खराब क्यों लगेगा, खराब नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग स्टोरी सुननी है तो अपनी नानी दादा से पूछ सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहीं पे सुनना है तो मैं और भी लाने वाला हूँ, नानी भी फ्यूचर में आएगी भी, तो अभी अभी मतलब नहीं, सब सुनते हैं, सबको पसंद है, नहीं सुनते हैं दादा ने बोले कोई नहीं सुनो, अरे सब सुनते हैं, सब नानी का कहावा सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मतलब और कौन से अमेजिंग इंसिडेंट आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, अपने बाबू खुश रखिए, अपने दादी दादा के साथ सानिध्य में रहिए और मजे करिए लाइफ की बस। अरे इनबुल हिम्मत रखना और अपने परिवार भर में तो ऊंचे हिम्मत देना। तो नानी की तरफ से आखिरी मतलब आपके लिए क्या बोलते हैं, मतलब आखिरी नहीं, मतलब नानी की तरफ से इस वीडियो का जो एंड सारांश है कि हिम्मत रखिए और खुश रहिए, पीछे नहीं डरना, आगे चलो, डरना नहीं है और खुश रहना है, आगे चलो, आगे रहना है। तो नानी बाय कर दीजिए, बाय, आगे चलो, आगे चलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाय बाय।